टू द चैनल, गुड मॉर्निंग। आई होप एकदम चकाचक होंगे। आज संडे है और हमारे एक अजीज़ हैं, उनका एक रेस्टोरेंट का लॉन्च है, तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट है, इसकी ख़ास बात यह है कि बड़ा ही ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट है। तो अभी क्या है उसको समझने के लिए हम पहले वहाँ जाएंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक ही आपको पता चलेगा कि इस रेस्टोरेंट की खासियत क्या है। तो आज का दिन शुरू करें। और ये है लखनऊ का DLF MyPad, और यहीं पर आज ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। ये है हेवन पिज़ेरिया एंड मॉकटेल बार। अब इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो मतलब इनका एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसान, अब किसान आप सोचेंगे कि भाई किसान तो हर आदमी जो सामान किसी से लेता है, ख़रीदता है, तो किसान ही उगाते हैं, बट यहाँ ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनका ये पिज़्ज़ा मॉकटेल्स और चीज़ें बना रहे हैं, और वही आपको मिलेंगी डायरेक्टली आपको। फ़िलहाल आज इसकी ओपनिंग है और हमें जिन्होंने बुलाया है वो अभी तक आए नहीं है, पहुंच जाए तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। आज का दिन पैकिंग चेकिंग में गया, क्योंकि कल हम दिल्ली निकल जाएंगे। और जब ये व्लॉग आप लोग देखेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं दिल्ली से वापस लौट रहा हूँ और फ्लाइट में होऊंगा। 100% श्योर, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो कमोबेश ऐसा ही है। आज बहुत दिन बाद आप देख रहे होंगे कि हरी दीवार चली गई जो मेरे रूम में है, और आज ये ड्राइंग रूम में बैठा हूँ जहाँ अमूमन हमारे जो वीडियोज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग होता था वो हम यहीं पर शूट करते थे। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वक्त से जो व्लॉग्स हैं वो मेरे वो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, मतलब 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट से ज़्यादा तो बहुत कम ही व्लॉग रहे हैं, ज़्यादातर 4-4.5 मिनट के। तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था साथियों, और उस एक्सपेरिमेंट का मसला यह था कि कुछ और चीज़ों पर काम कर रहा था, कंटेंट क्रिएशन पर ही काम कर रहा था। तो कंटेंट आएगा, जल्दी आएगा, कुछ बड़े व्लॉग भी आएंगे, और कोशिश ये है कि मेरी कि वीडियोस में कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए। और उसी को लेकर के थोड़ी मेरी प्लानिंग भी चल रही थी, थोड़ा स्क्रिप्टिंग पे भी मैं काम कर रहा था। मुकम्मल रहा, अच्छा रहा, मतलब रिस्पांस भी अच्छा आया है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब अब कुछ बेहतर दिखेगा हमारे ब्लॉग्स में, और वीडियो भी क्वालिटी भी चेंज होगी। कई साथी कहते हैं कि आवाज़ नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि आवाज़ की कोई दिक्कत है। एक्चुअली कई बार कहेंगे ना कि मतलब चूँकि मीडिया से रहा हूँ तो ताल्लुक, तो आवाज़ धीमी, जी हाँ, कैसी है, सलीके पे थोड़ा ज़्यादा काम रहा। तेज से चिल्लाना जो आजकल का ट्रेंड बन गया मीडिया का, वो हमारे दौर में तो नहीं था मीडिया का, और लोग उसे बहुत नॉर्मल मानते हैं, बट मैं नॉर्मल नहीं मानता, मैं उसे बिल्कुल ही नॉर्मल मानता हूँ। कि तेज़ आवाज़ में अगर आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ आप समझा रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ, हाँ आ जाओ, हमारी गोगो आ गई हैं, आओ इधर आओ, तो कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ में कुछ भी अगर आप बोलते करते हैं तो ठीक नहीं माना जाता, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। इसलिए आवाज़ की थोड़ी बहुत दिक्कत आप लोगों को लगती होगी। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ आवाज़ में बोलूँ, इनफैक्ट माइक्रोफोन भी लगा के जब मैं ब्लॉग करता हूँ तो भी आवाज़ मेरी ठीक ही रहती है। तो बस ये कहना था आप लोगों से, बहुत दिनों बाद मुखातिब हुआ हूँ, तो अपना ख्याल रखें। दिल्ली के साथ ही हैं तो प्रदूषण से बच के रहें, हालांकि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ बट मास्क लगा के रखूँगा, और आप लोग भी मास्क लगाएं, स्कूल से रहें, यही कहना था। आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें, आग बंद करके भरोसा ना करें किसी पर भी, है ना। लाइफ में दोस्त, दुश्मन, करियर, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, XYZ, आग बंद करके भरोसा मत करें। भरोसे का समोसा बनाकर खाना लोगों ने बहुत बाखूबी सीख लिया है। बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, कल नए ब्लॉग मिलते हैं इंशाल्लाह।